हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं दीपक चौधरी। कोरोना के बढ़ते वायरस को देखते हुए देश में कहां कहां इसने पैर फैसला लिए हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। कंफर्म कितने हैं, एक्टिवेट कितने हैं, रिकवरी कितनी है और साथ में डेथ कितनी हुई है। हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में कंफर्ट मामले 525,407, एक्टिव केस 94,276, इसमें जो उदारा मिला है रिकवरी, कितने केस रिकवर हुए हैं 4,25,812, डेथ मृत्यु कितने लोगों की मृत्यु हुई है 5,319। अब हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में कंफर्म मामले जो आए हैं 11,53,097, एक्टिव केसों की संख्या 3,06,458, रिकवरी जिसमें सबको आराम मिलता है, रिकवरी केस नंबर 8,34,961 और डेथ कितने की हुई है 11,678 की। अब हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली की सब पे नज़र रहती है। दिल्ली में कंफर्म केसों की संख्या 10,72,065, एक्टिव केस की संख्या 98,264, रिकवरी संख्या के नंबर जो हमें आराम दिलाते हैं वो हैं 9,58,762 और डेथ कितने लोगों की हुई है मृत्यु 13,009 की। अब हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कंफर्म केस की संख्या है 5,46,964, एक्टिव केस की संख्या है 1,55,182 और रिकवरी जो दिल को शांति पहुंचाती है 3,47,976 और डेथ कितने संख्याओं में हुई है वो भी देखें जरा 3,806। ये हैं आंकड़े जो दिल दहलाने वाले हैं, कितना कोरोना बढ़ता जा रहा है। आप लोग सेफ्टी रखें, जरूरत पड़ने पर ही घर से निकले, मास्क वेयर करें, बार बार हाथ पानी से धोएं और जब पानी नहीं है तो सैनिटाइजर है अल्कोहल युक्त उससे हाथ धोएं। अपने आप को सेफ रखें, अपने परिवार को सेफ रखें, क्योंकि जनरली हमारे परिवार में से कोई एक घर के बाहर का काम करता है, उसको बहुत जरूरी अपनी सेफ्टी रखना, क्योंकि आप ही के कारण आपका कोई घर का सदस्य इस महाबीमारी की चपेट में आ सकता है, तो प्लीज़ केयरफुल। ये सारे आंकड़े नेट पे मीडिया पे जो चल रहे हैं वो है सामने। और साथ में हम कोविड वैक्सीन की बात करें, कोर्ट ने भी इसको केंद्र सरकार से पूछा है कि वैक्सीन का अलग अलग रेट क्यों एक ही देश में। कोविड-19 के वायरस को मिटाने के लिए दो इंजेक्शन, दो वैक्सीन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इंडिया यूज़ कर रही है, जिसमें से एक है कोविड वैक्सीन और दूसरी है कोविशील्ड। अब इन दोनों के अलग अलग रेट होने वाले हैं, जिसने केंद्र सरकार से भी कोर्ट ने पूछा है कि ऐसा कैसे, हाउ कैन पॉसिबल कि एक ही देश में एक ही चीज़ के अलग अलग रेट। अब हम देखते हैं, केंद्र सरकार को ये वैक्सीन कोवैक्सीन 150 रुपये में मिलती है 150 और कोविशील्ड 150, ये दोनों कम रेट पे मिलती है। इसके बाद हम और छोटी जगह पे आए, राज पे आए, केंद्र के अंदर राज है, जिसकी कोवैक्सीन 600 रुपये की मिलेगी और कोविशील्ड 400 रुपये में मिलेगी। अब इसके बाद और छोटी जगह पे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इसमें कोवैक्सीन मिलेगी 1,200 रुपये की और कोविशील्ड मिलेगी 600 रुपये की। मतलब एक तरीके से हम मानते हैं और हम ये चीज़ देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एक बड़ी मंडी जो सब्जी मंडी, हम सब्जी मंडी की बात लेके करते हैं, एक सब्जी मंडी जो बहुत बड़ी है जहाँ पे गांव वाले आते हैं और बेचते हैं, वहाँ पे सब्जियों का रेट बहुत कम होता है। उसके बाद हम मार्केट में जो मंडी बनी है हम उसकी बात करते हैं, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ज़्यादा ही होती है। लेकिन उसके बाद हम और अच्छी जगह VIP कॉलोनीज़ की बात करें, जहाँ पे सब्जियाँ पहुँचती हैं, ऑर्डर पे ली जाती हैं, वहाँ पर उसी सब्जी का रेट दुगना चौगुना होता है। ये चीज़ हम देखते आ रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ का जवाब तो मिले कि ये क्यों महंगा है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कि इंडिया में आएगी और उसके बाद सब जगह बटेगी, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताएं
केंद्र सरकार के लिए भी इंडिया में आती है, केंद्र सरकार उसको चारों तरफ करती है, तो ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं कर सकते इसमें, इसमें टैक्स कर सकते हैं, राज का टैक्स, और जब वो सेल करेगी उस पर टैक्स लगेगा आई थिंक, मेरा ख्याल है ऐसा। कुछ भी हो देखेंगे क्या होता है, क्या रखा जाएगा। अभी अभी एक न्यूज़ आई है जिसमें घोषणा की गई है कि 10वीं 12वीं को छोड़कर बाकी सबकी ऑनलाइन क्लासेस 31 मई तक स्थगित कर दी जाए। 1 मई से 31 मई तक कोई क्लास नहीं होगी, और अगर होती है तो उसमें फाइन लगेगा स्कूल वालों की तरफ से। एक्चुअली सरकार ये चाहती है कि हम लोग मेंटली फिजिकली फिट रहें, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऑनलाइन क्लास से दिमाग थकता है, पढ़ाई से दिमाग थकता है, ये सरकार कहती है। हमें अपने दिमाग और दिमाग थकता है, सुस्ती आती है, सब कुछ आता है, हमें उससे बचाने के लिए सरकार ने ये फैसले लिए गए। आगे देखते हैं क्या होता है।